नाजरीन आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं वार्ड नंबर 44 के कोऑर्डिनेटर मोहतरमा रेहाना खातून साहिबा, जो कि देखा गया है कि 2021 इलेक्शन जीतने के बाद ही ममता बनर्जी का पहला कदम कोविड की दूसरी लहर को देखते हुए, उन्होंने जब शपथ लिया उसी वक्त कह दिया था कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आम इंसान की ज़िंदगी को कोविड से कैसे बचाया जाए। आइए इनसे बात करते हैं। मैम, मुझे आप ये बताएं कि किस तरह से आपके वार्ड में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। देखिए, हमारी हुकूमत ने, दीदी ने जिस तरह से कोशिश की कि ये जो महामारी जिसको कहा जाए, अज़ाब इलाही जिसको कहा जाए, कि ये बीमारी से निपटने के लिए लोगों के हिफाजत के लिए, उनकी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए कैसे उनको महफूज रखा जाए, तो जो इकदाम उन्होंने उठाया है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने का काम जो ज़िम्मेदारी हम सबको के ऊपर पार्टी ने, आवाम ने सौंपी है, उसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादातर से ज़्यादा लोगों तक हम लोग ये पहुंचाएं। और हमारे 44 नंबर वार्ड में 2 सेंटर चल रहा है, एक नंबर नीलमाधव सेन लाइन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कम्युनिटी हॉल में है, एक 23x1 छाता वाला गली नियर पोदार कोर्ट में एक सेंटर चल रहा है, वो 3 महीने से वहाँ चल रहा है और ये तकरीबन 1 महीना यहाँ हो गया है। तो काफ़ी लोग आ रहे हैं दूर से, बहुत दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं, इलाके के भी लोग हैं, तो जो लोग आ रहे हैं कोशिश किया जा रहा है कि उनको दिया जाए। मैं यहाँ जो वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, कितने से कितने उम्र तक के लोगों को दिया जा रहा है? मेरा एक सेंटर में दिया जा रहा है, दोनों जगह ही एक तरह से चल रहा था, 18 से 44 तक दिया जा रहा है, उसके बाद 44 के ऊपर जो लोग हैं, तो ये जो एक ही जगह लोग जमा हो जाया करते थे जिससे परेशानी होती थी, तो हम लोगों ने ये 2 सेंटर में तकसीम कर दिया, तो पोद्दार कोट एरिया में जो नज़दीक है वहाँ के लोग अब जा सकते हैं, तो जो 44 के ऊपर हैं तो उनके लिए वहाँ सेंटर में कर दिया गया है, और यहाँ पर एक नंबर नीलमाधव सेन लाइन में 18 से 44 के अंदर में दिया जा रहा है। किस तरह से मैम आपकी प्लानिंग रही ताकि तमाम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया गया है कि आप लोग आएँ और आसानी से वैक्सीन लें ताकि आप कोरोना से बच सकें? देखिए, कॉरपोरेशन ने मेरा बहुत ताउन किया, 3 महीने से तो वहाँ चल रहा था हम लोगों के पोद्दार कोट एरिया में, लेकिन हमने कॉरपोरेशन से बहुत मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई एक और सेंटर, क्योंकि आबादी ज़्यादा है, वोटर कम है लेकिन आबादी ज़्यादा है, आसपास के लोग भी आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक और सेंटर खोला जाए, तो इसके लिए मंजूरी दे दी हमारे कॉरपोरेशन बोरो 5 ने, तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ सेंटर खोला और पूरे वार्ड में हम लोगों ने, आसपास के वार्ड में भी हम लोगों ने प्रचार कर दिया है वोटों से, माइक से, कि आप लोग यहाँ पर दिया जा रहा है इस एड्रेस पर, अगर आपको ज़रूरत है तो आप आ करके यहाँ पर लगाएँ और लगाना भी चाहिए। मैम, अब तक कितने लोगों तक, कितने लोग इससे फ़ायदा लोगों को पहुँचा है? बहुत लोग फैजियाब हो चुके हैं, डेली दोनों सेंटर मिला करके मेरा तकरीबन 150-250-300 के आसपास, कभी 250 तो हो रहे हैं लेकिन 300 भी हो रहा है, क्योंकि 165-162 इस सेंटर में हो रहा और 120-130 उस सेंटर में हो रहा। मैम, ये कब तक चलेगा, ये कोई डेट? ये नहीं, बिल्कुल ये चीज़ हम नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार जब तक हम लोगों को देती रहेगी तब तक हम लोग ये काम करते रहेंगे, और जब ऑफ कर देगी सरकार तो हमारे हाथ में नहीं। आप लोगों की हर मुमकिन कोशिश है कि कोई भी एक लोग ना बचे जो कोविड-19 से, जो कि जिनकी जाने जाए। जी बिल्कुल, हम लोग यही चाहेंगे कि कोई भी एक शख्स ना छूटे, जो नौजवान बूढ़े जिनको जिनको भी लेना है ये, और जिनको सरकार ने कह रखा है कि आप लोग लें, ये लेना ज़रूरी है, तो सभी तो कोशिश करते हैं कि आप लोग आकर के सेंटर में लीजिए, और काफ़ी लोग आ भी रहे हैं। वो सिर्फ आधार कार्ड इसमें ज़रूरी है, आधार कार्ड नहीं है तो आप वोटर कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी 3 चीज़ों में कोई भी शनाख्त आपके पास है, आप जेरोक्स कॉपी लेकर के यहाँ पर चले आएँ, तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए नहीं, पर कंट्रोल के लिए हम लोग जो भीड़ जो इतनी हो जा रही, हो सके कि अभी हमारे पास आज आपको समझिए कि 165-162 या 150 तक हमें मिला अगर एक सेंटर में, और लोग आ गए 200-250 लोग, भीड़ हो जा रही है, तो इसके लिए क्या आप लोग पहले से कोई टोकन? इसके लिए नहीं टोकन इशू नहीं करते, जो लोग वापस जाएंगे उनको हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप लोग अपना जो है आधार कार्ड जो भी लाए हैं आप जेरोक्स कॉपी हमें यहाँ दे के जाइए, ताकि कल आएँ तो आप ही का नाम पुकार लिया जाए, ताकि आपका यहाँ दोबारा आना आपका सही हो जाए, आप लौट करके ना जाइए, फिर उसके बाद जो लोग आते हैं उनको लिया जाए। ममता बनर्जी की शुरू से देखा गया मैम ये कोशिश रही है
कि जिस तरह से कोविड शुरू हुआ पूरी हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, उसके साथ ही उन्होंने देखा गया कि बंगाल में सबसे पहले हैं कि ममता बनर्जी सीएम है, जो कि रोड पर उतरकर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती हैं और लोगों तक लॉकडाउन में, चाहे वो द्वारा सरकार हो या खाना का तो प्रोग्राम हो या माँ किचन हो, इस तरह का प्रोग्राम करती हैं। और अब देखा गया है कि क्या कहते हैं कि द्वारे तरान यास तूफान से जो तबाही बर्बादी मची, यास तूफान ने जो तबाही बर्बादी मचाई है गांव ग्राम में, जो समुंदर से लगे इलाके थे लोग तबाह बर्बाद हुए, उनके लिए भी ममता बनर्जी ने ये क्या कहते हैं कि द्वारे तरान प्रोग्राम चलाया है 24 परगना, सोमाली 24 परगना के लिए। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? खैर, इससे पहले वो तो बहुत अच्छी बात है सरकार, खैर इस सरकार के लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, हम लोग पार्टी वर्कर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, हम लोग अच्छी बात बोल सकते हैं, लेकिन आम आदमी भी इस चीज़ को तस्लीम करता है कि वाकई एक सरकार, एक हुकूमत को जिस तरह से फ़िक्र एहसास ले करके हुकूमत करना चाहिए, लोगों की जान माल के की फ़िक्र करनी चाहिए, उनकी हिफाजत करनी चाहिए, ये सरकार कर रही है और इसका सबूत आप लोगों ने इलेक्शन में देखा। और ये जो आफत था, आसमानी कहर जिसे हम लोग कह सकते हैं, इससे पहले कबल आप लोगों ने देखा था बंगाल में जो अभी आया था एक अम्फान, तो इसमें सिर्फ गांव में नहीं बल्कि पूरे शहर में भी, हम लोगों के वार्ड में भी, नहीं साइलेंट है हाँ, तो उसमें क्या है कि हम लोगों के वार्ड में भी सरकार ने सर्कुलर भेजा था कि अगर थोड़ा भी किसी का नुकसान हुआ है तो आप लोग एक फॉर्म आया था, आप वो फॉर्म भर करके आप लोग उनका एक आईडी कार्ड के साथ भेजिए, उनके अकाउंट में हम लोग पैसा भेजेंगे। तो 5,000 करके हर जिन लोगों का हम लोगों ने लिख करके दिया, सबके अकाउंट में 5,000 रुपये आया। एक चीज़ ये भी देखा गया कि मैम ममता बनर्जी कहती हैं कि हम दर्दमंद इंसान हैं और हमारी पहली खिदमत होनी चाहिए कि हम इंसान के बारे में सोचें और उनकी तमाम ज़रूरियात, हेल्थ हाइजीन को लेकर ममता बनर्जी सबसे पहले फिक्रमंद रहती है, जिससे सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में एक पैगाम जाता है। इस बारे में आप क्या पैगाम देना चाहेंगी मैम? हम तो यही कहेंगे कि ऐसी सरकार जिसके साथ वाकई कदम से कदम मिला करके, शाने शाना मिला करके आवाम चली है और आइंदा दिनों में भी इनका साथ आवाम जो है रखेगी और ऐसी हुकूमत को अपने साथ रखेगी, मेरी यही अपील है। और ताकि हम लोग इस हुकूमत से जो हकीकी मानों में जो आवाम की ज़रूरियात है, सहूलियात है, चाहे वो ग़िज़ाई पॉलिसी हो, सेहत का मामला हो, मेडिकल की मैंने जो ज़रूरतियात है, सारे काम को हम लोग सरकार से ले सकें और जितना एक्स्ट्रा मैंने जिस सरकार ने कभी सोचा नहीं होगा और स्टेट के रियासत के सरकार ने कभी अभी सोचा नहीं होगा, सेंटर गवर्नमेंट ने अभी नहीं सोचा होगा हमें आगे क्या करना है आवाम के लिए, छोटी छोटी सी बात, लेकिन इस हुकूमत ने सोचा और आवाम तक पहुँचाया। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं मोहतरमा रेहाना खातून साहिमा, जो कि वार्ड नंबर 44 की कोऑर्डिनेटर हैं। इन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन हमारे यहाँ जो वार्ड में प्रोग्राम चल रहा है, हम लोगों ने लोगों तक ये पैगाम पहुँचा है कि जितनी जल्द से जल्द हो सके आप लोग वैक्सीनेशन लें और कोरोना से बचें। और इसको लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है उसमें आधार कार्ड का एक कॉपी जेरॉक्स ले आ सकते हैं आप, वोटर कार्ड है, कोई भी किसी भी एक चीज़ का आप जेरॉक्स ला कर आप जमा करें वहाँ पर, और जाकर इस वैक्सीनेशन जो सरकार की तरफ से चल रहा है, वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट सीएम ममता बनर्जी की जानिब से जो पहल की गई है, आप खुद भी वैक्सीन लें, अपने बगल वालों को, पड़ोस वालों को, मोहल्ले के लोगों को बताएँ, ताकि इससे आप वैक्सीन लेने के बाद आप खुद भी सेफ़ रहें और अपने बगल वालों को भी सेफ़ रखें। और भी किसी किस्म की जानकारी हो तो आप अपने करीब के जो कोऑर्डिनेटर हैं, आपके जो वार्ड के काउंसलर हैं जिसको कोऑर्डिनेटर का दर्जा दिया गया है, आप उनसे मिलकर तमाम बातें तफसीलात पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।